से तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ऑपरेशन चल रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एम्स में एडजस्ट करने का बहुत नहीं कर रहे हैं, वो अपने सोर्स से ही कर रहे हैं, अपने सोर्स से कर रहे हैं। आपका स्वागत है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं पंकज दावर गुड़गांव का हूँ। सर, नो की घटना किसी से भी ये नहीं है और सभी जानते हैं, और यहाँ पर आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उत्ते भान सिंह जी यहाँ डीएसपी सज्जन सिंह के घर में पहुँचे हैं, जो ऑन ड्यूटी घायल हुए हैं और जख्मी हैं और उनकी एक हाथ अभी काम करना बंद करी है, ऐसे में आप क्या कहना चाहूँगा? देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो नू में हुई, और जैसा कि सज्जन जी का नाम है सज्जन, उतने ही सज्जन आदमी, मैं इनको काफ़ी पुराना जानता हूँ, बहुत बेहतरीन अफसर है, ईमानदार अफसर है। इस तरीके की घटना से उनको जिस तरीके से चोट लगी उनकी आँख में, उनको एक आँख से शायद दिखना भी काफ़ी कम हो गया या ना के बराबर है। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आँख की रोशनी दोबारा से आए और वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में दोबारा से लौटे, और साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि इनको और ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए, और जितनी भी सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल देने का एक संकल्प लेना चाहिए। और साथ ही साथ आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी, वो इनसे मिलने आए थे, और एक प्रोत्साहन के लिए, एक नैतिकता के कारण उनसे मिलने आए, और ये होटल में डीएसपी भी है सज्जन जी, तो उस तरीके से मिलने आए, और हम ईश्वर से फिर प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये स्वस्थ हों। पंकज जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, कोई भी है पुलिसकर्मी है जो हौसले के साथ ड्यूटी करता है, ईमानदारी से ड्यूटी करता है, और अपनी जान की बाजी लगाता, सबको आउट ऑफ प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलना चाहिए, और उनको मुख्य और सुविधा भी मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट के कितने आदमी, क्या मुख्यमंत्री अभी तक सज्जन सिंह के मिलने के लिए पहुंचे, और डीएसपी रैंक के एक अधिकारी भी? देखिए, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से यहाँ आना चाहिए, और गृह मंत्री, उनको भी आना चाहिए। आप देखिए, डीएसपी लेवल के अफसर है, और सबसे बड़ी बात, ईमानदार अफसर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको भी सब चीज़ों का पता, एक बेहतरीन अफसर जो सज्जन जी है, और जिस तरीके से चोट लगी है और उसके बावजूद भी वो लोहा लेते रहे वहाँ, और उस दंगे को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश करी और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली, तो इससे पुलिस का मनोबल घटता है। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत इनसे मिलने आए, हालचाल जाने। देखिए, वो ठीक तो नहीं कर सकते, भगवान तो है नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते आपको अपने अफसरों से, अपने पुलिस वालों से मिलना चाहिए, ताकि इनका मनोबल बढ़े और छोटे अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए, सिर्फ एक लोहा लेते हुए इनको इतनी बुरी तरीके से आँख पे पत्थर लगा, आप देखिए, एक आँख की रोशनी आज चली गई है, खुदा ना खास्ता आप सोचिए कि ये आँख अगर रोशनी ना आई तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो हम तो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि इनकी आँख की रोशनी दोबारा हो, ये स्वस्थ होकर दोबारा लो। धन्यवाद। श्रोत बहन जी, पुलिस को हाईटेक होने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी गाड़ियां होती जो बख्तरबंद गाड़ियां हम बोलते हैं, क्या पुलिस के पास वो गाड़ियां होती, क्या बचाव नहीं हो सकता था? ऐसे में जरूरत है पुलिस को हाईटेक होने की? नहीं, पुलिस को तो हाईटेक होने की हर समय ज़रूरत है, और जैसे परिस्थितियाँ होती है उसको मुताबिक। यहाँ तो पुलिस का था ही कहाँ, यही अभी गए थे वहाँ पर, बाकी वहाँ पुलिस की व्यवस्था ही कहाँ थी, घबराए गए थे अभी एन टाइम पर, तभी वहाँ पर पहुँचे थे। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने तो पूरी तरह से छोड़ दिया था असहाय लोगों को, वही काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इनके पास मैसेज गए, ये तुरंत वहाँ पर पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने किसी भी तरह की परवाह नहीं की, और वहाँ पर बहुत सर, बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने एक बात बोली थी कि पुलिस सबकी सुरक्षा तो नहीं कर सकती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा क्या अफसोस हो सकती है? जब मुख्यमंत्री सबसे पहले जब शपथ लेता है, संविधान की लेता है, और उसमें सबसे पहले जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व तो अपने कंधों पर लेता है, और मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि वो हर एक की प्रत्येक की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को तत्काल तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते तो पद पर क्यों बैठे हुए हैं, वो कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं, ये तो भी प्राथमिक आवश्यकता है। अगर हम अपने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो उस कुर्सी पर बैठने का औचित्य क्या है? ठीक, उसमें लड़ाने का या लड़ने का जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ बनी, तो उससे पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा इसके लिए हुआ,
और जिस तरह से चौधरी सज्जन सिंह दलाल जो मेरे यहाँ होटल में डीएसपी के पद पर तैनात हैं अभी भी, वो ड्यूटी पर वहाँ पर बुलाए गए थे और जिस बहादुरी के साथ वो वहाँ पर गए और उनके पत्थर से सीधी आंख में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने जो हिंसा को काबू करने के लिए जो अद्वितीय साहस का जो परिचय दिया वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे तो अफसोस हुआ कि भाई सरकार का कोई नुमाइंदा, असल में तो मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए था, नहीं स्वास्थ्य मंत्री आते, गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री एक ही हैं, कोई भी किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। और इस बहादुरी के लिए उन्हें निश्चित तौर से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में मिलना चाहिए और उन्हें जिससे कि फोर्स में एक मैसेज जाए कि उत्साह बढ़े फोर्स का सारे का, उनके लिए अलग से उनको कोई इस तरह का कोई सरकार की तरफ से कोई इंटेंसिव दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों के लिए जो और भी जो कर्मचारी हैं साथ में